सोनाक्षी को फिल्म विश्वरूपम से कर दिया गया आउट, और उसके बाद फिल्म के लिए कभी दीपिका का नाम सामने आया तो कभी विद्या बालन का नाम। लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है कि इस फिल्म के लिए किस हीरोइन को किया गया है साइन। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, इस फिल्म में कमल हासन के ऑपोजिट समीरा रेड्डी को साइन किया गया है। सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म से बाहर कर देने के बाद पहले दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया, लेकिन दीपिका ने फिल्म करने से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद फिल्म के लिए विद्या बालन के पास ऑफर भेजा गया। वेल, विद्या ने भी डेट्स का बहाना बनाकर फिल्म से किनारा कर लिया। तो अब कमल हासन ने अपने ऑपोजिट इस फिल्म के लिए समीरा रेड्डी को साइन कर लिया है। हालांकि समीरा इस खबर से काफी खुश है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली अभी भी इस खबर को कन्फेस नहीं किया है दैट शी हैज गॉट द रोल। वैसे हम आपको इस खबर में बता दें कि इस रोल को करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा बहुत एक्साइटेड थी। ही स्टार्टिंग कमल हसन्स तमिल फिल्म व्हिच इज कॉल्ड विश्वरूपम। इन फैक्ट फॉर समवन हु सो न्यू इन द इंडस्ट्री, एक बहुत ही बड़ी चीज है। इन फैक्ट मुझे साउथ से बुलावा आया था कि आप आइए काम कीजिए, तो आई थिंक दैट्स यू नो बहुत प्राइड की बात है मेरे लिए। लेकिन सोनाक्षी के हैवी वेट की वजह से उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। वैसे सोनाक्षी की माने तो उनके साथ डेट की प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म नहीं की। अब सोनाक्षी क्यों बाहर गई, ये तो प्रोड्यूसर और खुद सोनाक्षी ही जाने। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोनाक्षी के बाहर जाने से समीरा रेड्डी का फायदा जरूर हो गया है, क्योंकि उन्हें मिला है मौका कमल हासन जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का।